कैसे आप सब लोग गाइस, आज मैं आपको थोड़े से आई डिसीज के बारे में बताने वाला हूँ। एंट्रोपिन बोलते हैं इसको बेसिकली। ये ज़्यादा रिंकल वाले डॉग्स के अंदर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो अपना सेंट बर्नार्ड ब्रीड है, चाओ चाओ है, शार्पाई है, एक दो मेरे बीगल के केस भी आए हैं, उनमें भी स्क्रैच हो जाता है। इसको टेक्निकली बोलते हैं एंट्रोपिन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो आई गुड पास आके दिखाना, जो आईलिड होती है वो अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ये चाओ चाओ ब्रीड है, इसकी आईलिड है ये अंदर की तरफ घूमी पड़ी है। आप ध्यान से देखो तो ये अंदर की तरफ ऐसे घूम गई है, जिसकी वजह से ये कॉर्नियल अल्सर हो जाते हैं। ये सारा ये देखो, इसकी आईज का कलर भी चेंज हुआ पड़ा है। ये अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये अंदर जा रही है इसकी। तो ये बेसिकली सो कॉल्ड डिफेक्टिव ब्रीडिंग या मिक्स ब्रीडिंग की वजह से हो जाता है। चाओ चाओ को शार्प आई से क्रॉस करा दो, या ज़्यादा रिंकल लेने के चक्कर में लोग इन ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा करवाते रहते हैं, उसकी वजह से ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। बेसिकली ब्रीडिंग का फॉल्ट है ये। तो इसमें अब क्या है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जो इनिशियल स्टेज पे जो एंट्रोपिन के केसेस होते हैं, जिसमें हर समय आइज गिल्ली रहती हैं या उसमें से प्रोटीन टाइप का, वैक्स टाइप का निकलता रहता है, तो इनिशियल स्टेज में जो ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑइंटमेंट आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ऑइंटमेंट, उसके अलावा आप बोरिक एसिड से उसको क्लीन कर सकते हो। थोड़ा सा ठंडे पानी में बोरिक एसिड डालो, उससे आप कॉटन से क्लीन कर सकते हो। आप थोड़ा सा हाइजीनिकली रखोगे तो इनिशियल स्टेज उसी में ही कवर हो जाती है। जब किसी में बहुत ज़्यादा हो, इसके भी लेवल होते हैं एंट्रोपिन के, भी किस लेवल पर एंट्रोपिन हो रखा है डॉग के अंदर, जब इतना ज़्यादा लेवल बिगड़ गया है कि वो उसकी वजह से 24 घंटे उसके अंदर गंद आता रहता है और पानी निकलता रहता है आँखों में, तो इसकी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है। अभी मैं लाइव सर्जरी परफॉर्म कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हेड पास आके दिखाना बेटा, हम सर्जरी में अब जैसे इसको मैंने एनेस्थीसिया दे दिया, अब इसकी दोनों आईज में ये प्रॉब्लम है। देखो सारे इसके आईलिड अंदर जाने की वजह से सारा इसमें कॉर्निया में अल्सर हो रखे हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ये वाला पार्ट है इसका, जो स्किन का पार्ट है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, जिससे कि आईज होती हैं जो ये अंदर की तरफ घूमी हुई थी वो बाहर की तरफ आ जाती है, और जो ये गंद जो इसके आ रहा है आँखों के अंदर, वो सारा कुछ आना बंद हो जाता है। अभी मैं सर्जरी परफॉर्म करने लगा हूँ। सर्जरी के बाद भी कुछ इंस्ट्रक्शन बताऊँगा मैं आपको, क्या क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए, तो वीडियो में पूरा बने ठीक। तो गाइस हमारी सर्जरी हो गई कंप्लीट। एक क्वेश्चन और निकल के आता है इसके अंदर कि ये किस एज में करवानी चाहिए सर्जरी, अगर आपके डॉग को एंट्रोपिन की प्रॉब्लम है तो कब सर्जरी प्लान करें, क्या सर्जरी प्लान ना करें, या जैसे भी है डिसीजन कैसे लें इस चीज़ का। तो जो ग्रोइंग स्टेज होती है बच्चे की, कुछ लोग मेरे पास अभी फ़ोन आया था दिल्ली से, उन्होंने सर्जरी करवानी थी, तो वो 3-4 महीने के बच्चे के कह रहे थे कि उसकी सर्जरी कर दो जी। तो ज़्यादा छोटे बच्चे की सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि उसने ग्रो करना है। जब एक बार पूरे उसके रिंकल डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद हमारे को आइडिया लगता है हमने कितना पार्ट रिमूव करना है। अगर आप अर्ली सर्जरी करवा दोगे तो कई बार होता है कि सर्जरी करने के बाद दोबारा से उस पर रिंकल आ जाते हैं और वो दोबारा एंट्रोपिन की प्रॉब्लम बन जाती है।
तो अभी इसका हो गया है सर्जन, अभी इसके आँखें बिल्कुल खुल गई हैं अच्छी तरह, तो इसकी रिकवरी भी मैं आपको दिखाऊंगा। होप करता हूँ भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरे ऊपर प्रॉपर टाइम तो लगता नहीं वीडियो बनाने का, सोचा काम करते करते ही आपके लिए कुछ कुछ ट्यूटोरियल बनाते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।